सभी को नमन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और निरोग होंगे। तो आज हम करेंगे हल आसन यानी कि प्लो पोज। हल आसन में हल का अर्थ है जैसे किसान खेती करने से पहले ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, बीज बोने योग्य बनाने के लिए हल जोतता है, ठीक उसी तरह से हमारे भारत के महान योगियों ने हल से प्रेरणा लेकर हल आसन की रचना की थी। तो जिस प्रकार एक हल कठोर से कठोर भूमि को मुलायम बनाता है, ठीक इसी प्रकार से हम हल आसन करके अपने शरीर को मजबूत, सुदृढ़ और फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हल आसन। हल आसन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी विधि के बारे में बताऊंगी, बाकी चर्चा मैं आपको करते करते ही करूंगी। कि हल आसन करने से पहले आप पीठ के बल लेटेंगे, कमर के बल एकदम सीधे लेटेंगे, हाथ आपके ज़मीन से लगे हुए, और अपने पैरों को धीरे धीरे 30, 60 और 90 डिग्री एंगल पे उठाने के बाद अपने पैरों को सिर और कंधे के पीछे ले जाके ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे हल आसन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हल आसन सबसे पहले कमर के बल सीधे लेट जाएंगे, पैर मिले हुए, हाथ की हथेलियां आपकी इस तरह से ज़मीन से लगे हुए, क्योंकि ज़मीन पे जब हम हथेलियों को इस तरह से लगा के रखेंगे तभी हम सपोर्ट से हाथों सपोर्ट देते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। वो कैसे, सबसे पहले अपने पैरों को 30 डिग्री एंगल पे लाएं, 60 डिग्री एंगल पे लाएं, और इसी तरह से 90 डिग्री एंगल पे जब हम अपने पैरों को ले आएंगे तो हम अपने हाथों के सपोर्ट से इस तरह से हिप को सपोर्ट देंगे, बॉडी को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को हिप से नीचे कमर तक लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए। अब श्वास खाली करते हुए अपने पैरों को, पैर आपके सीधे हैं, मिले हुए हैं, अपने पैरों को सिर और कंधे के पीछे धीरे 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 लेके जाएं और दोनों पैरों को ज़मीन पे सटा दें और हाथ आपके सीधे, कोहनियाँ सीधी, घुटने सीधे, सांसों को सामान्य स्थिति में रखें, नॉर्मल श्वासें लेते रहें धीरे धीरे। इस समय आपके शरीर का भार कंधों पे है, गर्दन और कंधों पे है। कम से कम 30 सेकंड और या 60 सेकंड तक, 30-60 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। 3-5 चक्र आप हल आसन के कर सकते हैं। हल आसन को आप खाली पेट ही करें या भोजन के 4-5 घंटे के गैप में करें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास, कब्ज की समस्या ठीक होती है इससे। चाहें तो काउंटिंग भी कर सकते हैं, 10 तक, 15 तक, 20 तक काउंटिंग करें और इसी तरह से वापस आए। वापस आने के लिए फिर से दोबारा अपने हाथों को सपोर्ट दें कमर का और धीरे धीरे वापस आने की स्थिति को बहुत धीमा रखें। एकदम से प्रेशर से वापस मत आएं, अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे ज़मीन पे रखें और धीरे धीरे अपने पैरों को ज़मीन पे रखें। पटक के पैरों को ज़मीन पे बिल्कुल नहीं रखेंगे और अब अपनी श्वासों को डीप ब्रीदिंग करें, लंबा गहरा इनहेल एक्सहेल करें। तो ये था हमारा हल आसन। अब हम हल आसन के लाभ यानी कि फ़ायदे और बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि हल आसन से हमें क्या लाभ हैं। सबसे पहले तो इससे हमारे रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, मजबूत होती है, और दूसरा इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, बाल झड़ने दूर होते हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है जिससे मोटापे की समस्या दूर होती है, और हमारे पेट की चर्बी कम होती है, और इससे हमारे एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होती है जिससे हम लंबी देर तक यंग दिखते हैं, और इससे हमारे फेस पे चमक आती है। और इसकी कुछ सावधानियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी को कंधे में कोई चोट लगी है, गर्दन में कोई प्रॉब्लम है या कमर में अकड़न की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका की कोई प्रॉब्लम है तो वो ये आसन ना करें।
और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड कोई समस्या है, तो वो भी ये आसन नहीं करेंगे, या करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें या कुशल योग प्रशिक्षक के सानिध्य में बैठ के इसका प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से एक हल ज़मीन को मुलायम और फ्लेक्सिबल, उसको मुलायम बनाता है, ठीक इसी तरह से हम अपने शरीर को मजबूत, सुदृढ़ और फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास करेंगे हल आसन करके। तो इसी के साथ मुझे लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।